Hello guys, you're most welcome in Om Nursing Knowledge channel and myself Shweta Dubey, and today I'm going to discuss about congenital heart disease. Congenital heart disease 8 birth se hi present hota hai. अगर 8 बर्थ के टाइम में अगर बेबी के हार्ट की स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मलिटी आती है जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है और डिफरेंट टाइप के डिजीज कंडीशन देखने को मिलते हैं. सो बेसिकली आज हम बात करेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के क्लासिफिकेशन के बारे में. कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन एसाइनोटिक एंड सेकेंड वन साइनोटिक. एसाइनोटिक जो होता है वो ऑक्सीजन के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो साइनोटिक होता है वो ऑक्सीजन के अमाउंट पे डिपेंड करता है. सो एसाइनोटिक होता है फर्दर डिवाइडेड होता है वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट एंड परसिस्टेंट एट्रियो डक्टस एट्रियोसिस एंड वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट. सो बेसिकली आज हम बात करेंगे वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में. वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट हार्ट में होने वाला एक एबनॉर्मल डिफेक्ट है जो कि एट बर्थ से ही प्रेजेंट होता है. इसमें हार्ट्स की लोअर चैम्बर को सेपरेट करने वाले सेप्टम में होल हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड लेफ्ट टू राइट पास आउट होता है. जैसा कि आप जानते होंगे हमारे लेफ्ट साइड में डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है एंड जो राइट साइड में डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है. वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट में ऑक्सीडेटेड ब्लड डीऑक्सीडेटेड में पास आउट हो रहा है और वह वहाँ से लंग्स में पास आउट हो जा रहा है. मीन्स जो हमारा ऑक्सीडेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीडेटेड मीन्स राइट वेंट्रिकल से जाके मिक्स होकर लंग्स में चला जा रहा है और जिस ऑक्सीडेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में अरोटा के थ्रू सर्कुलेट होना चाहिए वह पूरे बॉडी में ना जा करके वह लंग्स में चला गया और कुछ अमाउंट में जितना ब्लड बचा ऑक्सीडेटेड वह अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में चला गया. मीन्स जो एसाइनोटिक है उसमें प्रॉपर अमाउंट में ब्लड की सप्लाई तो नहीं हो पाती है, लेकिन जितनी भी होती है ऑक्सीजनेटेड होती है. लेकिन साइनोसिस में ऐसा नहीं है, साइनोसिस में मिक्स ब्लड का सप्लाई होता है जिसकी वजह से बॉडी के कई पार्ट्स ब्लूइश कलर्स के हो जाते हैं. हार्ट में मेनली फोर चेंबर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. नॉर्मली जो हार्ट होता है वो लेफ्ट एंड राइट सेपरेट होता है जिसे हम सेप्टम कहते हैं. इस सेप्टम की वजह से जो हमारा हार्ट होता है वह लेफ्ट एंड राइट डिवाइडेड होता है. लेकिन जब वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होता है तो हमारे जो वेंट्रिकल्स होती है उसमें डिफेक्ट एंड एबनॉर्मलिटी हो जाती है. नॉर्मली वेंट्रिकल्स के बीच में कोई होल नहीं होता है, बट कुछ इन्फेंट में इट बर्थ से ही प्रेजेंट होता है जिसे PSD मीन्स वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं. अगर हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की होने वाले कॉजेज की बात करें तो इसमें जेनेटिक वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है. जेनेटिक मीन्स अगर फैमिली में किसी पर्सन को वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है तो मीन्स आने वाली जनरेशन को भी वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं. इन्वायरमेंट्स की वजह से भी हो सकता है. एंड अगर मदर प्रेग्नेंट है और वह डायरेक्टली कॉन्टेक्ट ऑफ रेडिएशन से आ रही है तो भी वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होने के चांसेस हैं. एंड क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से भी वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं. अगर हम वेंट्रिकल सेप्टल होने के साइनम सिम्टम के बारे में बात करें तो इसमें साइनोसिस हो सकता है. चूँकि आज हम बात कर रहे हैं वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में जो कि एसाइनोटिक है, तो एसाइनोटिक में ब्लूइश कलरेशन होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं. एंड मर्मर साउंड आ सकता है. अब बेसिकली अगर हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से जब हम ऑस्कल्टेशन करते हैं तो उसमें मर्मर साउंड सुनाई देता है. एंड ट्रैकीकार्डिया हो सकता है. एंड ट्रैकीकार्डिया मीन्स इंक्रीज पल्स रेट. एंड इरिटेबिलिटी हो सकती है, साइनोकोप हो सकता है. साइनोकोप मीन्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मूविंग ऑफ फिंगर. अगर हम इसकी डायग्नोसिस इवैल्यूएशन की बात करें तो हम इसमें फर्स्टली तो हम किसी भी डिजीज कंडीशन का लेते हैं तो उसे सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं. फिजिकल एग्जामिनेशन में स्पेशली हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से मर्मर साउंड को सुनते हैं एंड ECG कर सकते हैं.
and chest x-ray and echocardiogram and cardiac catheterization. वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलते हैं. अगर जो सेप्टल का डिफेक्ट है अगर वो लार्ज है तो डिफरेंट टाइप की कॉजेज कर सकता है. जैसे CCF मीन्स कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर हो सकता है एंड एंडोकार्डाइटिस शुड बी डन एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट. इसलिए इसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है. अगर वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट की सर्जरी की बात करें तो इसमें 1 स्टेज एंड 2 स्टेज से हम उसकी सर्जरी करते हैं. स्टेज फर्स्ट में हम जो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है उसको एक पैच की हेल्प से उसको क्लोज कर देते हैं. इसे हम ओपन हार्ट मेथड्स भी बोलते हैं. सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि सेकेंड स्टेज में हम फर्स्ट स्टेज की हेल्प से जो पल्मोनरी आर्टरी है उस पर एक बैंड लगाते हैं जिसकी वजह से जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है वह पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक नहीं ले जा पाती है. इसे हम मीन्स सेकेंड स्टेज को हम क्लोज स्टेज भी कहते हैं, मीन्स क्लोज मेथड्स भी कहते हैं. सो कैसा लगा मेरा वीडियो? प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस एट फ्रेंडशिप सर्किट फॉर अपग्रेडिंग योर नॉलेज. थैंक यू.